हेलो दोस्तों, ध्यान से देखिए इस कंटे को। ये कंटा 5 लाख रुपए का नुकसान करवा के बैठा है, और वो नुकसान इस कंटे ने कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चेक करिए, इस कंटे को चालू करते हैं। अब इस पे मैं 5 किलो का बट्टा रखता हूँ। ये 5 किलो को 4 किलो 300 ग्राम दिखा रहा है। अगर 5 किलो इस कंटे पे तोल के किसी को चीज देंगे, उसके पास 5 किलो 700 ग्राम चीज जाएगी। मोटा मोटा 1 केजी पीछे 150 ग्राम का फालतू चीज जा रही है। इन भाई साहब का जिनका ये कांटा है, उनका कॉपर का काम है। कॉपर का रेट है 800 रुपये केजी। लगभग 150 ग्राम फालतू जाने की वजह से किलो पीछे 100 से 150 रुपये का उनको नुकसान हो रहा है। और हफ्ते 10 दिन से यही चीज़ चल रही है। लगभग 5 लाख का नुकसान हो गया है इस भाई का, सिर्फ ध्यान ना देने की वजह से। अब ये वजन को गलत क्यों बता रहा है, उसका कारण है ये देखिए, इसकी प्लेट। इसके ये जो नट है ये ढीले हो गए हैं। जब भी वजन टिकता है तो वो नीचे दब जाता है, तो लोड सेल प्रॉपर वजन बता नहीं पाता। इसीलिए दोस्तों, अपने कांटे की हर चीज़ की डेली आपको ध्यान देना चाहिए। कोई नट वगैरह ढीले ना हो, कोई तार वगैरह ढीली ना हो, डिस्प्ले प्रॉपर हो। डेली अपने कांटे को आपको एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आपको एक बट्टा खरीद के रखना चाहिए दुकान पे। सुबह डेली एक बार कांटे पे बट्टा रख के चेक कर लें, और फिर ही दिन की शुरुआत करें। इससे आप होने वाले बड़े नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें कांटे का कोई कसूर नहीं है, कसूर उस भाई का है जिसने इस प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा वजन आ रहा है तो तोलते रहते हैं, अगर ये पहले ध्यान दे लेता 100-200 रुपये लग के ये ठीक हो जाता, और इसका 5 लाख का नुकसान होने से बच जाता। इससे आप ये सीख ले सकते हो, अपने कांटे को डेली चेक करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपका मन हो तो। थैंक यू।